अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पर सर्दियों में मेरी स्किन पूरी तरीके से फट रही है और जो है दाग धब्बे वगैरह आ रहे हैं। गाइज इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है स्किन को कंट्रोल करने में। तो गाइज बहुत ही आसान और इजी रेमेडी है, आपने सेव दो चार चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे कि गाइज मेरे पास है यहाँ पर ये, तो गाइज यहाँ पर है मेरे पास वाव का एप्पल एसिड विनेगर फेस वॉश। तो गाइज पहले हमें इसे फेस वॉश कर लेना है और गाइज स्टेप बाय स्टेप करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है और क्या है, आपकी स्किन हो जाएगी हेल्थी बहुत ही इजीली। आपको पार्लर भी जाना पड़ना ही पड़ेगा गाइज, घर पे ही इजीली करो और बार बार करते रहो, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। जैसे कि मैंने फेस वॉश लिया है और फेस वॉश को आपने डायरेक्टली नहीं वॉश कर लेना है, थोड़ी देर मसाज करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं वो सारे निकल जाएं। तो गाइज मेरे मम्मी बहन और साथ ही में मेरे हस्बैंड तक बोलने लगे कि तुम्हारी स्किन ख़राब हो रही है गाइज। तो इसीलिए मैंने सोचा, लास्ट टाइम जिसमें मैंने स्किन केयर वीडियो बनाया था उसमें गाइज करीब 1.9K व्यूज़ आए थे, तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना आज हम स्किन केयर के ऊपर ही कुछ ना कुछ ट्राई करें। तो गाइज ये देखिए, आज मैं करूँगी आपकी स्किन को अमेजिंग विंटर सीजन में। तो चलिए जल्दी से जो है, अभी हमारा स्क्रब तो हो गया और अभी जाकर हम थोड़ा वॉश कर लेंगे। तो गाइज वॉश करने के बाद मैं क्लीन टॉवल से वाइप कर लूँगी। तो गाइज मैंने अपना जो है फेस वॉश इसीलिए यूज़ किया है ताकि गाइज जो भी हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्किन पर है वो निकल जाए। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर स्किन पर कितने सारे दाग धब्बे हो गए हैं गाइज। पहले तो हमें अपनी स्किन के पोर्स को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपने यूज़ करना है जस्ट वेट वाइप्स, और जो कि आप फेस पर लगाकर हाफ एन आवर छोड़ सकते हैं। अगर नहीं तो गाइज सेकेंड जो है कि आपने लेना है गरम पानी और उसमें डालना है टॉवल और उससे आप थोड़ी देर 15 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। और गाइस सबसे आसान है स्ट्रीमर, स्ट्रीमर से जो है 5 मिनट्स में आपके पोर्स पूरे सारे ओपन हो जाते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी स्ट्रीमर, सबसे आसान और इजी और स्पीड हो जाता है गाइस। तो गाइस ये रहा मेरा स्ट्रीमर और मैं थोड़ा स्टीम लूँगी। तो गाइस करीब 5 मिनट्स तक आपने अच्छी तरीके से स्टीम लेना है। तो गाइस स्टीम मैं इसीलिए ले रही हूँ ताकि सारे पोजेस हमारे क्लियर हो जाए, यानी कि ओपन हो जाए। तो गाइस अभी लाइक स्टीमर ऑफ करते हैं, करीब 5 मिनट्स तक मैंने स्टीम लिया है। तो गाइस ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे जो हैं फेशियल हेयर्स जो हैं वो निकल कर आए हैं। आप सोच रहे होंगे क्या इस तरीके से होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं वो स्टीम की वजह से जो हमारे फेशियल हेयर्स हैं वो सारे निकल कर उभर कर बाहर आते हैं। यहाँ पर वाव का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। सारी डेड स्किन, यानी कि जो गाइज डेड स्किन है वो सारी हमारी जो है नरम हो जाएगी। और यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से आपने एलोवेरा जेल को मसाज कर लेना है। तो गाइज आपने हेयर्स रिमूव करने हैं, आपने बिल्कुल भी इस तरीके का सॉफ्ट केयर नहीं यूज़ करना है, ताकि गाइस जो हेयर्स हैं इसमें जो रहता है ब्लेड रहता है और इसमें जो होता है शीट रहती है। शीट यानी कि गाइस यहाँ पर जो है ये आती है शीट, यानी कि ये इससे जो है बाल को लाइक बढ़ने नहीं देती, और जो ब्लेड है वो लाइक नाइफ की तरह होता है जो कि बढ़ने देता है। तो गाइस चलो अभी लाइक इसे जो है हमारे सारे फेशियल हेयर रिमूव करते हैं। तो गाइस फेशियल हेयर्स के साथ हमारा टैन भी निकल जाता है इसमें इजीली। कितना सारा निकला है सिर्फ एक स्वॉच में। हेयर्स हमें जो है अपने फेशियल हेयर्स और आईब्रो हेयर्स निकले हैं इतने सारे, और ये देख सकते हैं आप कितना सारा लाइक निकला है। और गाइस ये करने के बाद आपने लेना है सिंपली आइस क्यूब। नेक्स्ट स्टेप गाइज मैंने लिया है यहाँ पर आइस क्यूब, और गाइज इस तरीके से हमें सिंपली अपनी स्किन को थोड़ी हील करना है। आइस क्यूब के साथ मैं यहाँ पर स्क्रब कर रही हूँ गाइज हॉट आइस क्यूब, जो कि गाइज अभी लाइक हम इससे भी मसाज कर लेंगे। टोटल 2 आइस क्यूब्स मैंने अपने फेस पर कूलिंग कर रही हूँ।
तो गाइस दोनों आइस क्यूब मैंने फेस पे मेल्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे रैशेज वगैरह थोड़े कम दिख रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट बारी है यहाँ पर हमारे टमाटो की। हमने यहाँ पर हाफ टमाटो लिया है और इसे यहाँ पर स्क्वीज़ कर देंगे। और गाइस स्क्वीज़ करने के बाद आपने इसे लेना है और इस तरीके से ओपन करना है। और गाइस सिंपली आपने फेस पर मसाज करना है इसे। तो गाइज यहाँ पर देखिए स्किन जो है क्लियर होती जा रही है हमारी। और टमाटर का एक्सट्रैक्ट लिया था आपने, डालना है हाथों एक्स और इसके सीड के साथ आपने लगा लेना है फेस पर। तो गाइज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लीन हो रही है हमारी फेस। और गाइज ये जो है मेरे, और गाइज मैंने यहाँ पर लिया है लेमन, जो कि गाइज लेमन के साथ करेंगे अच्छी तरीके से मसाज। तो गाइज लेमन मसाज के बाद मैंने, गाइज इतनी ज़्यादा थोड़ी इचिंग होती है ना, क्या बोलूँ मैं, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है। आपने थोड़ी देर वेट करना है, करीब 10 मिनट्स आपने वेट करना है कम से कम। गाइज कम से कम 10 मिनट्स वेट कीजिएगा और फेस वॉश कीजिएगा। तो गाइज मैं 10 मिनट्स वेट करती हूँ और फेस वॉश करके आपको बताती हूँ मेरे अपने फेस। गाइज नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश कर ली हूँ और गाइज स्किन जो है थोड़ी हील होले के जा रही है, माशाल्लाह प्रिपेयर हो रही है और रिपेयर भी हो रही है। तो गाइज यहाँ पर है मेरे पास मड मास्क, तो कि गाइज अभी मड मास्क हम लगाएंगे अच्छी तरीके से अपने फेस को और रेस्ट देंगे। तो गाइज चॉकल का मड मास्क मैंने लगा लिया है और अभी लाइक हमें वेट करना पड़ेगा, करीब 15 मिनट्स लगेगा गाइज, 15 to 20 मिनट्स लगेगा ये ड्राई होने के लिए। तो गाइज फाइनली ये ड्राई हो लेके आ गया है और अभी मैं जाकर इसे वॉश करूँगी। तो गाइज चलो जल्दी से वॉश कर लेते हैं। तो गाइज मड मास्क यूज़ करने के बाद मैं अपना फेस टॉवल से वाइप। तो गाइज फाइनली ये देखिए यहाँ पर स्किन कितनी ग्लोइंग और अभी हेल्थी दिख रही है। गाइज अभी यहाँ तक ही आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक छोटा प्रोसेस बाकी है तो वो भी कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर देखिए मेरे पास है गुड स्टफ का हेलो का प्राइमर। तो गाइज ये बहुत ही अमेजिंग प्राइमर सीरम है जो कि गाइज बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी स्किन को डैमेज रिपेयर करता है। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ गाइज, क्योंकि मेरी स्किन जो है डिहाइड्रेट हो गई है, हाइड्रेट होने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी। इसे आपने अप्लाई कर लेना है अपने फेस पर अच्छी तरीके से। यहाँ मेरा अमेजिंग सा मसाजर, तो गाइज ये बहुत ही अमेजिंग है, इस तरीके से ये रोटेट होता है और इसकी मदद से हम मसाज करेंगे इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पर हमारी स्किन हो गई है रिपेयर। और गाइज आपको मैं हैंड मसाज बताऊंगी, बहुत ही इजी और अमेजिंग हैंड मसाज। अगर आपके पास मसाजर नहीं है तो ये बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज आपने सिंपली इस तरीके से रखना है हाथ और ऊपर की तरफ ढकलना है। तो गाइज यहाँ पर जो स्किन माशाल्लाह बहुत ही हेल्थी दिख रही है अभी। नेक्स्ट गाइज आपने क्या करना है, इस तरीके का एक लिप बाम लेना है गाइज। ये अमेजिंग सा लिप बाम है जो कि गाइज मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, इतना अमेजिंग है आप सोच भी नहीं। रिमूव कर रही हूँ और लाइट पिंक कलर का है ये। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर मैंने लैक्मे ब्लश एंड ग्लो फ्रूट शीट मास्क यूज कर रही हूँ, जो कि गाइज बहुत ही अमेजिंग सा है। और गाइज आपने इसे 15 मिनट्स लगा कर रखना है और चलो इसे अभी करेंगे हम ओपन। तो गाइज क्या आप भी इस तरीके का सीरम का बॉटल एम्प्टी जो होता है वो फेंक देते हैं? बिल्कुल भी फेंकना मत गाइज, ये बहुत ही काम आने वाला है। तो गाइज यहाँ पर है जैसे कि मेरे पास फेस मास्क ओपन के बाद अपना जो फेस मास्क है वो ले लीजिएगा। मास्क लगाने के बाद हमें लिया है एम्प्टी सीरम बॉटल और इसके साथ हम यूज करेंगे बहुत ही जुगाड़ू ट्रिक। गाइज ये देखिए ये यहाँ पर आता है हमें सीरम, बहुत सारा सीरम इसमें बचा हुआ था जो कि हम फेंक देते हैं, बिल्कुल भी फेंकना मत। और इसे लेंगे और डालेंगे इसके अंदर।
और गाइस मैंने इसे बंद कर दिया है, मिक्स कर दिया है और रख लेंगे स्टोर कर कर ताकि गाइस हम बाद में इसे यूज़ करें। और गाइस 15 मिनट्स बाद ये देखिए मेरी स्किन इतनी प्यारी दिख रही है, अभी मैं जाकर इसे करूँगी वॉश। तो गाइस मैंने इससे वॉश किया है, हिमालय का फेयरनेस केसर फेस वॉश से, बहुत ही अमेजिंग सा है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये देखिए रिजल्ट्स। और गाइस मैं अभी आपको वाइप करके बताती हूँ मेरा फेस। और गाइस जब भी आपके पास फेस मास्क ना हो तो ये सीरम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस फाइनली इस तरीके से मेरी फेस दिख रही है उतनी अमेजिंग। तो गाइस ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।